जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ। आज बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की। जो हारेगा क्या वो बाहर हो जाएगा? अगर नहीं तो कैसे उसकी बात बनेगी? क्या अपडेट है प्लेइंग 11 का दोनों टीमों के? कैसे बनेंगी चार ड्रीम टीम्स? क्या रहेगा फ्री गिव अवे? वही सब बात हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम इस मैच की, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज के डबल हेडर का दूसरा मैच। देखिए सिचुएशन दोनों टीमों के लिए ये है कि मस्ट विन गेम है दोनों के लिए। जो बचे कुछ चार चार मैच है दोनों टीमों को जीतने हैं, अन्यथा बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि कल हैदराबाद ने जो राजस्थान को हराया उसके बाद थोड़ा सा एक लग्जरी इन दोनों टीमों को मिल गई कि एक टीम थोड़ा सा ज्यादा नीचे चली गई है, लेकिन राजस्थान के पास एक मैच भी एक्स्ट्रा था, तो अब सब बराबरी पर हैं। यहां से क्या होगा, क्योंकि 8-8 पॉइंट पे चार टीम खड़ी हैं और उनमें से कोई एक टीम जाएगी आगे, ऐसे सिचुएशन बन गई है। कौन सी टीम जाएगी, कौन सी होगी? जो टीम आज जीतेगी उसके चांसेस मजबूत हो जाएंगे, लेकिन जो हारेगा उसके लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लेइंग 11 का अपडेट क्या है? प्लेइंग 11 का अपडेट यह है कि मुंबई की तरफ से ऑल प्लेयर्स आर फिट एंड फाइन, लेकिन फाइंड है फॉर्म की तलाश है। किसी मैच में गेंदबाज बढ़िया कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बुमराह ने दो मैचेज में 3 फेयर लिया है, ट्रेंट बोल्ट बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी है वो अभी तक उतनी बढ़िया नहीं दिखी है। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के बाद जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी मुंबई इंडियंस की, ईशान किशन, सूर्या, पोलार्ड, हार्दिक, कृणाल, वो सब फ्लॉप रहे। और यही मुंबई मैच हार रही है, मतलब जो उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर होता है वो कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, जीरो सपोर्ट रही है अभी तक उन लोगों की। इसी वजह से मुंबई के लिए राह कठिन है। पंजाब किंग्स ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। इस सीजन में 3 मैच उन्होंने अंतिम बॉल पर हारे हैं विनिंग सिचुएशन से, तो आप समझ लीजिए कि वो इस मुश्किल परिस्थिति में क्यों। हालांकि सीजन उनका बुरा नहीं गया है, अच्छा गया है, पिछला मैच जीते अपना और उम्मीद है कि मोमेंटम बरकरार रखेंगे। बैटिंग पूरी तरह से बढ़िया, पावर पैक्ड उनकी दिखती है। एट द टॉप राहुल, गेल, अग्रवाल, तो वहीं पे फिर पूरन भी हैं, मार्करम भी है, वहां बढ़िया सॉलिड लगता है। गेंदबाजी अर्शदीप के और मोहम्मद शमी के अनुभव का पूरा फायदा मिल रहा है। रवि बिश्नोई ने बढ़िया काम कर दिया है आके, नाथन अली से एक्स फैक्टर के तौर पर इस टीम में दिख सकते हैं आपको आज के मैच में। तो ऑल इन ऑल एक बढ़िया कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, लेकिन उसको विनिंग मोमेंटम जारी रखना होगा। बात करें अबूधाबी की पिच की, जहां ये मैच होने जा रहा था, एक एवरेज स्कोरिंग मैच होने की संभावना है 150 से 70 के बीच में। गेंदबाजों के लिए काफी कुछ रहेगा, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्प रहेगी, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स और जो आपका कह सकते हैं कि जो शुरू में बैटिंग करेंगी टीम उसकी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा, टॉप 3 रहेगा उसके लिए, इस पे काफी ठीक ठाक रन बनाने का अवसर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ की प्लेयर्स की, तो क्या की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के लिहाज से। की प्लेयर्स आपके हो सकते हैं केएल राहुल। मयंक अग्रवाल को पंजाब की टीम में मैं सबसे अहम मानता हूं, क्योंकि कूल काम हेड है बिल्कुल और चुपचाप रन बना के निकल जाते हैं। उनका डैमेज पता नहीं लगता सामने वाले को, जब मैच हार जाते हैं तब पता लगता है वो अग्रवाल ने कर दिया। तो मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, उसके अलावा अर्शदीप और शमी की जो जोड़ी है पेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मुंबई कैंप में जाऊं तो कप्तान रोहित शर्मा का डिकॉक के साथ, वहीं पे ट्रेंट बोल्ट और बुमराह की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी टीमों के लिए। इस तरीके से कुछ ये की प्लेयर्स हैं जिनके आसपास आप चुन सकते हैं, अपने प्लेयर्स अपनी टीम बना सकते हैं। बात करते हैं आगे हम ग्रैंड लीग प्लेयर की, इस मैच में कौन से साइलेंट किलर हो सकते हैं। देखिए ट्रेंट बोल्ट बुमराह के लिए सब तैयार है, ऐसे में एडम मिल आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं पंजाब के लिए। सेम चीज मुंबई के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि समी और अर्शदीप की तैयारी की होंगी तो नाथन एलिस आउट ऑफ सिलेबस की तरह आकर विकेट निकाल सकते हैं। बल्ले की बात करूं तो मैं ईशान किशन या हार्दिक पांड्या डैमेज कर सकते हैं। उधर पंजाब किंग्स की तरफ जाऊं तो एडन मार्कराम और निकोलस पूरन भी वो काम बखूबी कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्रैंड लीग प्लेयर्स हैं जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। उसी के हिसाब से बनाई है मैंने 4 ड्रीम टीम्स, जो मैं आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में। अब बात कर लेते हैं कि फ्री गिव अवे क्या है आज के मैच का, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको दोस्तों मेरा
यूट्यूब चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन भी आपके साथ आपके पास तुरंत पहुंच जाए वीडियो आते के साथ ही। उसके अलावा ये है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसपे लगभग 2050 मेंबर है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्रिकेटोलॉजी के नाम से आप सर्च करें या @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट के नाम से आप वही चैनल ज्वाइन करें जिसके लगभग 2050 मेंबर है, ऑफिशियल क्रिकेटोलॉजी टेलीग्राम चैनल बाई मोहित राघव, इसी को आप ज्वाइन करें दोस्तों। इसके अलावा किसी भी भ्रम में ना पड़े, लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल बना के मुझसे भी बड़े चैनल बना लिए हैं उनके साथ ना जाएं, लगभग जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है उतने मेंबर हैं चैनल पे, उसी हिसाब से आप देख के जो ऑथेंटिक और ओरिजिनल चैनल है उसी को ज्वाइन करें। चलिए फ्री की वे पे आ जाते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि सूर्या यादव और क्विंटन डिकॉक दोनों मुंबई के प्लेयर कुल कितने रन बनाएंगे, ये आपका आज का क्वेश्चन है। आप आंसर दीजिए, आपको प्राइज मनी 100 रुपीज प्लस मिलेगा 1 to 11 की टी शर्ट और 50 रुपए आपको फर्स्ट कमेंट के मिलेंगे। ये है समरी फ्री गिव अवे की, बाकी ज्यादा डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, चूंकि आज दो मैच हैं कवर करने, दोनों पहला कवर कर चुके हैं दूसरा कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा संक्षिप्त में ही वीडियो दे रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये जो है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये था फ्री गिव अवे का कि आपको 1 to 11 पर खेलना है, और 1 to 11 पर खेलना कैसे, ये आपका आईकॉन है और ये आपका रेफरल कोड है। आप 1 to 11 सर्च करिए गूगल पर, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और साइन अप करते समय मेरा रेफरल कोड MS राघव जरूर डाल दीजिए, तभी आपको फ्री गिव अवे मिलेगा। उसमें आप कम से कम एक कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, भले 1 रुपए का हो। इसके साथ साथ अगर आप इको ये नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक से डाउनलोड कर लें और बस एक बार चेक कर लें कि जो रेफरल कोड है वो MS राघव है या कुछ और है, इस तरीके से आपकी बात बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम चार टीम्स की, आज के मैच की चार टीम क्या होने वाली है। टीम नंबर 1 आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है लोकेश राहुल, क्विंटन डिकॉक, मयंक अग्रवाल, सूर्य यादव, एडन मार्करम, कृणाल पांड्या, मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई। अब ये टीम देखें, आप टीम देखेंगे तो आपको देखो जो ऑटोमेटिक पिक जिसे बोलते हैं वो कौन थी, क्रेडिट का बहुत इशू आएगा जब आप टीम बनाएंगे तो, क्योंकि महंगे महंगे प्लेयर बहुत हैं। इसमें मैंने क्या करा, जो बड़े प्लेयर मुझे लेने थे उनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर को मिस करा और उस प्लेयर का नाम है रोहित शर्मा। डिकॉक है, राहुल है, दोनों मुझे चाहिए थे। देखो मैं जब ये टीम बना रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में क्लियर थी कि बोल्ट, बुमराह, अर्शदीप शमी चार गेंदबाज, इसके अलावा मयंक, राहुल, डिकॉक और रोहित, ये 8 प्लेयर मुझे चाहिए थे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि इन 8 में से किसी एक को मिस करके ये टीम बना सकता था, वरना टीम बन नहीं रही थी मेरे मनमापे। इसलिए मैंने क्या करा कि इनमें से रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह मैं सूर्य यादव को ले आया। कृणाल पांड्या अकेले ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है, हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे, कृणाल फॉर्म में नहीं है लेकिन 2-3 ओवर डाल के दे रहे हैं आपको, दीपक हुड्डा चांस ही नहीं मिला है ढंग से। तो समस्या ये थी कि इन 3 में से किसको आप पिक करेंगे, तो मैंने फिर उसका रैंडम ही बना दिया कि कृणाल पांड्या इन 3 में गेम कवर सबसे अच्छा दे रहे हैं, गेम कवर के हिसाब से मैं गया और कृणाल पांड्या को मैंने पिक कर लिया। तीनों की क्रेडिट वैल्यू सेम है, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन कृणाल पांड्या बेटर गेम कवर दे रहे हैं या अर्ली विकेट्स के केस में थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने आ सकते हैं, इसलिए कृणाल पांड्या को मैंने मौका दिया। बैट्समैन मार्करम चाहिए थे, मयंक अग्रवाल चाहिए थे, मिल गए, सूर्य यादव को ले लिए। गेंदबाज जो 4 मुझे चाहिए थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ले चुका, एक गेंदबाज और लेना था रवि बिश्नोई के रूप में ले लिया, राहुल चहर से बेटर फॉर्म में दिख रहे हैं तो मुझे लगा कि रवि बिश्नोई ज्यादा बेटर बैट है इन करंट सिनेरियो कम से कम इस टीम के लिए। कैप्टन राहुल नो डाउट भाई, क्योंकि ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट में है KL राहुल इस टूर्नामेंट के IPL के, तो वही डिकॉक भी बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, इसलिए डिकॉक भी दूसरा ऑप्शन हमारा हो गए वाइस कैप्टनसी के। टीम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टीम नंबर 2 में देखिए फिर से वही खेल करना पड़ा कि जो प्लेयर चाहिए थे वो तो चाहिए थे लेकिन कुछ बदलाव भी चाहिए थे। गेंदबाज जो 4 थे मेरे, समी, बोल्ट, बुमराह, अर्शदीप, चारों को रिटेन किया मैंने। एडम मिल को लाया आपका रवि बिश्नोई की जगह, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कि ऐसा हो सकता है कि समी और आपका बुमराह बोल्ट के लिए तैयार हो पंजाब किंग्स और एडम मिल आ जाए आउट ऑफ सिलेबस, तो इस तरीके से हार्दिक पांड्या को मैंने यहाँ पे मौका दिया कृणाल की जगह, क्योंकि फॉर्म में कृणाल भी नहीं है, तो जब तीनों ही ऑलराउंडर एक जैसे हैं तो आप ऑल्टरनेट प्ले कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या आपके इस टीम का हिस्सा है, 10-20 रन आपको दे सकते हैं इनके, हालांकि आजकल मिडिल ऑफ द बैट
बॉल आ नहीं रही है बहुत दिनों से और गेंदबाजी बैक पेन की वजह से उतनी कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी व्हाट कैन वी डू, जो ऑप्शन सोनी में से लेना होगा तो हार्दिक पांड्या यहाँ पे हो गए। तीन आपके बल्लेबाज हो गए, सूर्य यादव की जगह रोहित शर्मा को लेकर आया और वाइस कैप्टन मैंने बनाया मयंक अग्रवाल कैप्टन। देखो कंसिस्टेंसी के बेस पे और लंबी पारी खेलने के हिसाब से मुझे मयंक अग्रवाल ज्यादा बेटर प्लेयर लगे। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत टॉप क्लास प्लेयर है, दो बार डबल सेंचुरी ओडीआई में कर चुके हैं, लेकिन थ्रू आउट उनके कैरियर में एक प्रॉब्लम हमेशा रही है, वो चाहे एक रन पर खेल रहे हो चाहे 1000 रन पर खेल रहे हो, वो कभी भी लूज शॉट खेलते हैं, कभी भी मौका दे देते हैं, मतलब जब जब बैटिंग करते हैं पूरे टाइम चांस रहता है कि ये बंदा कभी भी विकेट दे सकता है, लूज शॉट कभी भी खेल जाते हैं। वो ब्रेन फेड वाली दिक्कत रोहित शर्मा के साथ लाइफ टाइम रही है, उसी वजह से उनको वाइस कैप्टन बनाया और मयंक अग्रवाल को बनाया कैप्टन। ईशान किशन को मैं बताया डिकॉक की जगह रिप्लेस करके टॉप फोर को थोड़ा पावर पैक किया है और तीन बैटिंग ऑप्शन भी हो गए हार्दिक पांड्या के साथ, इसलिए अग्रवाल राहुल को हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गेंदबाज हम डिस्कस कर चुके हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब टीम नंबर टू का डिस्कशन आपका कंप्लीट। चलते हैं टीम नंबर थ्री की तरफ, लेकिन मैं फिर से बोल दूं अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियोज भी देखें, चूंकि दो मैच है इसलिए दोनों मैच कवर करने हैं, उस वजह से वीडियो थोड़ा शॉर्टकट में बना रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी वीडियो को मैं नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए चीजें भी संक्षिप्त में बता रहा हूं, उतना डिटेलिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन टीम बनाने में पूरी मेहनत हुई है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको टॉस के बाद का अपडेट मिल जाए, फाइनल 11 आपको वहीं पे मिलती है, और ध्यान रखें कि 2050 मेंबर के आसपास वाला जो चैनल है वही आप ज्वाइन करें, फर्जी चैनल ज्वाइन ना करें। मेरे क्रिकेटोलॉजी के नाम से बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं लोगों ने, सारी चीजें एज इट इज कॉपी की हुई है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये वो, तो प्लीज फंसे नहीं यही रखें। चलिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पर टीम नंबर थ्री, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल यहाँ पे होंगे, रोहित शर्मा को मैंने पिक कर लिया और मयंक अग्रवाल को। यहाँ पे क्या किया कि जो चार मुझे बैट्समैन चाहिए थे वो चारों बैट्समैन मैंने यहाँ पे रख लिया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक गेंदबाज से, और गेंदबाज वो कौन है, वो गेंदबाज है मोहम्मद शमी, कहीं से तो क्रेडिट फ्री करने ही थे भाई, क्या करें। मार्करम की जगह रिटेन रही, प्रणाल पांड्या की वापसी होगी, ऑलराउंडर स्लॉट में फिर से भाई गेम कवर वाला फैक्टर, और पांच गेंदबाज यहाँ पे मैंने लिए, बुमराह और अर्शदीप को बनाया मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन। पिछले दो मैचों में 6 विकेट बुमराह ने लिए हैं तो कैप्टनसी के हकदार तो बनते हैं, जिस फॉर्म में चल रहे हैं डैमेज पंजाब को अच्छा खासा दे सकते हैं, अर्शदीप बहुत बढ़िया गेंदबाज है, आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेलेगा जरूर और बहुत बढ़िया गेंदबाज है, डेथ में प्रेशर में बहुत सही बॉलिंग करता है, इसलिए वाइस कैप्टन। रवि बिश्नोई स्पिन फैक्टर अगर पड़ता है तो बहुत कामयाब होंगे। नाथन एलिस आउट ऑफ सिलेबस वाला जो मैंने सीन बताया था उस तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ट्रेंट बोल्ट तो है ही सदाबहार। इस तरीके से टीम नंबर थ्री आपकी बनी, जसप्रीत बुमराह आपके बने कैप्टन और अर्शदीप वाइस कैप्टन। टीम नंबर चार, टीम नंबर चार के साथ थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप हुआ, यहाँ पे पांच क्रेडिट भी आपको बचा दिया, आप चाहे तो जो बदलाव आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं इस टीम में। निकोलस पूरन और ईशान किशन दो विकेट कीपर लिए, मतलब जो दो बड़े नाम थे कौन कौन से आपका बल्ले बड़े उनकी दो क्या, अगर आप टीम देखें तो जो चारों बड़े नाम थे मयंक रोहित डिकॉक और आपका राहुल, चारों में से पूरी बी स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, पूरन और ईशान किशन आ गए, तो वहीं पे गेल पोलार्ड और सूर्य यादव को मौका मिला बैटिंग स्लॉट में, वाइस कैप्टन सॉरी ऑलराउंडर स्लॉट में है दीपक हुड्डा को मौका दे दिया, ना कृणाल ना हार्दिक, तो वहीं पे गेंदबाजी में अगर आप देखें तो बुमराह को छोड़ के बाकी सेकेंड स्ट्रिंग है पूरी टीम, राहुल चहर एडम मिलन आपका नाथन एलिस हरप्रीत बुमराह। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक देखिए, चूंकि पंजाब के ऑलराउंडर्स सॉरी ओपनर्स मिसिंग है इसलिए बुमराह और एडम मिलन को मौका मिला, ठीक है। एडम मिलन वाइस कैप्टन क्यों, क्योंकि अगर ट्रेंट बोल्ट के लिए तैयार हो रहे हैं और एडम मिलन वहां पे विकेट निकाल गए तो वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया दावेदार हो जाएंगे, दो विकेट पावर प्ले में एक विकेट बैक में देके तीन विकेट पे आपका वाइस कैप्टन परफेक्ट एडम मिलन के रूप में हो जाएगा। नाथन एलिस और हरप्रीत बुमराह, शमी के लिए अर्शदीप के लिए विशेष तैयारियां होंगी मुंबई कैंप में, नाथन एलिस की जो पेस है वो बहुत बढ़िया है तो वहां से थोड़ा सा स्लो पिच टैकी पिच पे दिक्कत हो सकती है उस पिच पढ़ने में, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हरप्रीत बुमराह भी स्पिन में रवि बिश्नोई के साथ बढ़िया एक चांस एक बढ़िया विकेट टेकिंग स्पेल आपको दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गेल को कैप्टन बनाया। गेल देखो आपको पता है T20 का सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई है तो उसका नाम क्रिस गेल, हालांकि अभी थोड़े फेड हुए हैं और आपको CPL बहुत अच्छा गया नहीं है, रन के लिए जूझ रहे, स्टिल गेल इज द गेल,
अगर 10 बॉल पहली खेल गए तो फिर गेल दिखाएगा खेल, इसीलिए क्रिस गेल मेरे कैप्टन है इस टीम के। पोलार्ड बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, इतने साल से मुंबई को के जो कैंपेन है, जो फंसे हुए मैच है उनको कोई खिलाड़ी निकालता है उसका नाम है कायरन पोलार्ड, लेकिन अभी वो भी ठंडे ठंडे चल रहे हैं। हालांकि सीपीएल में 2-3 अच्छी पारियां खेली थी और उनको लय में आने में टाइम लगता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कायरन पोलार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी टीम नंबर 4 बन गई। आपको किसी प्लेयर की और कोई डिटेलिंग चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मेरे पास कोई अपडेट होगा मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगला मैच कल का मैं फिर लेके आता हूँ। अभी चलता हूँ, जय माता।